योगी का कावड़ यात्रा नेम प्लेट से संदेश, जाति नहीं हिंदू धर्म पर होगा संग्राम। केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और मायावती का जाति वाला फॉर्मूला, योगी ने किया फेल। योगी के एक आदेश ने हिंदुओं को कर दिया एक, देखते रह गए केशव और अखिलेश। कहते हैं जाको राखे साईयां, मार सके न कोई। योगी का काम करने का स्टाइल अलग है, यानी काम करोगे फायदे में रहोगे। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं को ये बात नदारद नहीं हो रही है, बगावत दर बगावत करते जा रहे हैं। लेकिन सीएम योगी उपचुनाव के लिए अधिकारियों की क्लास लगाते जा रहे हैं। भाजपा नेताओं का यूपी में बगावत का सिलसिला थमा नहीं है कि उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने नमक डालने का काम कर दिया है। वैसे भी आपने सुना होगा, कुछ छुपे रुस्तम होते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब भाजपा के डिप्टी सीएम को ही देख लो, अपनी विधानसभा में चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन सीएम बनने की चाहत में लखनऊ से दिल्ली दौड़ लगा देते हैं। गलती उनकी नहीं है, ये गलती सिर्फ कुर्सी की है, वही सब कुछ करवा देती है। कभी चुनाव हार के डिप्टी सीएम बनवा देती है, तो कभी सीएम बनने के ख्वाब दिखा देती है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी राजनीति में आ गए हैं। जो भी फैसले लेते हैं उन सब में धर्म का फैसला बड़ा मानने लगे हैं। लेकिन इस फैसले से विपक्षी नहीं पार्टी के अंदर नेताओं में भूचाल है। पार्टी के अंदर नेता कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं है, पुलिस मानती नहीं है, कोई काम हो नहीं पा रहा है, और पार्टी के अंदर खाने बगावत शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि योगी के एक आईपीएस अभिषेक सिंह ने एक आदेश दिया, फल बेचो या टमाटर, नाम तो लिखना होगा। फिर क्या था, पूरे देश की राजनीति उसी आदेश पर रुक गई। मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, नायब सिंह सैनी या हो कोई अन्य, योगी के आदेश के पीछे खड़े हो गए और अपने अपने राज्य में नियम लागू कर दिया। लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को राजनीति करने का मौका मिल गया, सबने नेम प्लेट के आदेश को गलत बता दिया। फिर क्या था, योगी के विरोधियों को खड़ा होने का मौका मिल गया, कोर्ट चले गए और अंतरिम आदेश ले आए। शायद ये बात आप नहीं जानते हो कि हिंदू के नाम पर भाजपा राजनीति करती आई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। साल 2014 और 19 में पीएम मोदी ने हिंदू के नाम पर वोट लिया, लेकिन 2024 में मोदी ने मुस्लिम वोटरों को भी अपने फाले में खींचने की भरपूर कोशिश की। सोचा कि इस बार विपक्ष को साफ कर देंगे, लेकिन नतीजा निकला ढाक के दो पात। बीजेपी 400 पार का नारा देती रही, लेकिन 240 पर सिमट कर रह गई। परिणाम सबके सामने है, लेकिन इस बार सीएम योगी ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू धर्म का डंका बजा दिया है। योगी का सीधा संदेश है, धर्म था, धर्म है और धर्म रहेगा, आगे की राजनीति धर्म पर रहेगी। यानी कावड़ पर योगी के एक नेम प्लेट के फैसले से 4 लाख वोटरों पर सीधा प्रभाव डाला है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने हैं। इससे पहले सीएम योगी ने एक बड़ा खेल हिंदुत्व के लिए खेला है। अब इससे सीधा संदेश ये जाता है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता से अखिलेश, मायावती और पक्ष और विपक्ष में बैठे नेता ही परेशान नहीं, बल्कि अंदर खाने संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी योगी की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं। लेकिन अब योगी ने आगे का रास्ता खुद ब खुद तय कर लिया है, और योगी का सीधा संदेश है, जियो और जीने दो, जाति को साइड खड़ा कर दिया है। योगी के पीछे भीतरघात जमकर हो रहा है। कुर्सी की भूख में चुनाव हारे हुए नेता लखनऊ से दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें योगी की ताकत का एहसास नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि योगी को कौन बचा रहा है, कैसे बचा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता, तो दूसरी तरफ सीएम योगी, उनका सीधा संदेश जाति नहीं, धर्म नहीं, मानव सेवा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक अजीब सी हलचल देखने को मिल रही है। यूपी बीजेपी के साथ साथ प्रदेश सरकार के भी दो गुटों में बंटने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच सोमवार को हुई मुलाकात के बाद योगी सरकार के दो खेमों में बंटने की चर्चा को उस समय ज्यादा जोर मिल गया, क्योंकि ऐसी खबर आई कि योगी राजभर ने सीएम योगी की मीटिंग से दूरी बनाकर डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए। ओम प्रकाश राजभर ने इसी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आज लखनऊ के साथ कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से आत्मीय भेंट की और विभिन्न विषयों पर वार्ता की।
इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद अब राज्य में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सीएम योगी सोमवार को आजमगढ़ के दौरे पर थे। उन्हें आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक बुलाई थी। बैठक से ओम प्रकाश राजभर नदारद रहे, जबकि उन्हें वहां भी बुलाया गया था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मीटिंग में नहीं केशव प्रसाद मौर्य से भेंट करने पहुंच गए थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो ताकत जिसके पीछे योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब वो एक सांसद थे तो उनके पास जनता का आधार था, प्रेम था, हर दिन उनके साथ बढ़ता गया। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो जनता का प्यार और विश्वास इतना बढ़ गया है कि योगी को हाथ लगाने से पहले बड़े बड़े नेताओं को लाखों बार सोचना पड़ेगा, और ऐसा प्यार शायद मौजूद समय में किसी भी और नेता को नहीं मिल रहा है। सिर्फ यूपी में योगी के नाम की धुन चारों तरफ सुनाई देती है। लेकिन योगी को हटाने का मतलब यूपी के साथ साथ कई राज्यों में बीजेपी का सफाया हो जाना। यही वजह है कि योगी धाकड़अंदाज में फैसला लेते रहते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन बहुत दिनों से यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या भाजपा की अंतर्कलह इतनी बड़ी हो गई है कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ नेता नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर सीएम योगी की कुर्सी को खाली कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है?